हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के दो लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने तकरीबन छः तरह के ए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन देखे हैं आज हम उन्हीं ए सेक्शुअल मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वन चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे ओके सो द फर्स्ट पार्ट इज़ रीजनरेशन अब जब हम इस मेथड पर आते हैं रीजनरेशन पर तो नाम सजेस्ट करके ही मालूम हमें पड़ता है कि रीजनरेशन में होगा क्या रीजनरेशन में या तो पूरी बॉडी या तो किस बॉडी का कोई एक ऑर्गन जो होगा वो क्या करेगा फिर से फॉर्म करेगा या खुद को रीजनरेट करेगा आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में चाहे वो लिजार्ट के एग्जाम्पल में हो या स्टारफिश के एग्ज़ाम्पल में हो इसको डिस्कवर करने वाले जो पर्सन थे वो कौन थे अब्राहम ट्रेम्बली जिनका नाम क्या था अब्राहम ट्रेम्बली नाम था उन्होंने हाइड्रा में डिस्कवर किया था मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी सारे नाम आपको याद रखने हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं थर्ड पार्ट इज इसका जो एग्जाम्पल्स है रीजनरेशन का आप इसका अमीबा ले सकते हैं स्पॉन्जेस ले सकते हैं हाइड्रिला प्लेनारिया ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें से जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल्स को मैंने आपके सामने रखा है ओके सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट अब दो तरह के रीजनरेशन हमारे सामने होते हैं बेसिकली तो जब हम री की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रीजनरेशन में हमारा पहला टाइप आता है रिपेरेटिव री रीजनरेशन आप इस पार्ट को मत देखिए पिक्चर में अभी फिलहाल पहला पार्ट ये देखिए रिपेरेटिव री रीजनरेशन हमारी बॉडी में जो रीजनरेशन होता है वो रिपेरेटिव री रीजनरेशन होता है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं आपके सामने एक हाथ है इस हाथ पर आप देखेंगे तो आपके हाथ पर एक छोटा सा अगर कट लग जाए तो क्या होता है वो छोटा सा कट या डैमेज को क्या कर सकते हैं आप फिर से रिपेयर कर सकते हैं और वो क्या हो सकता है रीजनरेट हो सकता है पर बट एग्ज़ाम्पल लेते हैं सपोज़ करो अगर आपकी कोई एक पूरी उंगली चली गई या अल्लाह ना करे आपका पूरा हाथ चला गया किसी का कोई सिचुएशन में तो यहाँ पर रिपेरेटिव जनरेशन से आप पूरा हाथ आपका वापस नहीं आ सकता यहाँ पर कुछ डैमेज टिश्यू होंगे वही आपस वापस आ सकते हैं पूरा ऑर्गन वापस नहीं आ सकता तो ह्यूमंस में जो रीजनरेशन होता है वो कौन सा रीजनरेशन होता है रिपेरेटिव रीजनरेशन होता है पीछे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे अभी कि रीजनरेशन किस में होता है चार बेस्ट एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वो चार बेस्ट एग्जाम्पल रीजनरेशन के क्या थे अब हम चलेंगे आगे अब जो टाइप्स ऑफ रीजनरेशन में दूसरा हमारा रीजनरेशन है वो है रेस्टोरेटिव रीजनरेशन रेस्टोरेटिव रीजनरेशन में होगा क्या आप इस स्लाइड में पढ़ पा रहे होंगे जो इसका सेकेंड पॉइंट लिखा है रेस्टोरेटिव रीजनरेशन में जो आपका बॉडी पार्ट होगा वो कम्प्लीटली डेवलप होगा जैसे कि अगर हम स्टारफिश की आम का एग्जांपल लें मैंने यहाँ पर फोटो इसीलिए नहीं लिया कि कुछ पार्ट आपके लिए भी इमेजिनेशन के लिए छोड़ दूँ काफ़ी आसान है ना स्टार फिश का कटावा हाथ या कटावा आम जो है उसको इमेजिन करना तो स्टार फिश बेसिकली जब हम स्टार फिश की बात करते हैं तो उसका जो पूरा आम है वो जो पूरा आम अगर उसका चले जाए तो वाया री रेस्टोरेटिव रीजनरेशन वो क्या हो सकता है वापस आ सकता है तो अब तक हमने क्या पढ़ा अब तक हमने ये पढ़ा कि रीजनरेशन के दो री तो तरह के टाइप्स होते हैं एक रिपेरेटिव जनरेशन हो रीजनरेशन होता है और दूसरा होता है रेस्टोरेटिव रीजनरेशन जहाँ हम रिपेरेटिव रीजनरेशन की बात करते हैं उसमें हम हमारे बॉडी का कोई टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो वो रिपेयर हो सकता है अगर जब हम रेस्टोरेटिव रीजनरेशन की बात करें तो हमारा पूरा एक बॉडी पार्ट कम्प्लीटली क्या हो सकता है डेवलप हो सकता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम जाएंगे नेक्स्ट जो हमारा मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन है उसकी तरफ ये एपोमिक्सिस है इसे पढ़ते हैं हम एपोमिक्सिस ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स कम्युनिटी में और इसको लेकर आपको कई सारे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे क्योंकि इस पर बच्चों को कई सारा कन्फ्यूजन होता है अब वीडियो के दरमियान में मैं, मैं आपसे अपोमिक्स पे कुछ बीच में क्वेश्चन भी पूछूँगा तो ये बेटर होगा आपके लिए कि आप इस पार्ट को ध्यान से सुने कि अपिक्सिस में वरना आपको कन्फ्यूजन आएगा सबसे पहली बात मैं इस स्लाइड का आपको फोर्थ पॉइंट रीड कर रहा हूँ जो कि आपको फोर्थ पॉइंट दिख रहा है एपोमिक्सिस ऐसा ख़ास खा, क्या है अपोमिक्सिस खास इसी है क्योंकि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि जो मिमिक मतलब क्या होता है किसी की एक्टिंग करना वो सही नहीं होता होता है ना जो एक्टर्स की आवाज़ निकालते हैं तो उसकी मिमिक्री करते हैं तो इस तरह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक करता है या मिमिक्री कर मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बट होता ये क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो बेसिकली अपिकस होता क्या है वो सुनो अपामिकस में होना ये है कि आपने ये तो सुना होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन होना होता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना ज़रूरी है अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होंगे तभी तो क्या फॉर्म होगा सीड फॉर्म होगा बराबर अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ ही ना हो तो फर्टिलाइजेशन ना हो और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सीड फॉर्म नहीं होगा बराबर ये बात ठीक है बट एपोमिक्सिस में ऐसा नहीं होता एपोमिक्सिस में फीमेल गैमेट विदाउट द हेल्प ऑफ मेल गैमेट आई रिपीट एपोमिक्सिस में फीमेल गैमेट विदाउट दी हेल्प ऑफ मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन ऑकर हो जाएगा मतलब फर्टिलाइजेशन सही मैकॉन नहीं होगा बट फर्टिलाइजेशन जैसे रिजल्ट लिखेंगे और क्या फॉर्म होगा सीड फॉर्म होगा इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं एपॉम कहते हैं ठीक है समझने आया होगा अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताएंगे सीड और एम्ब्रियो में डिफरेंस क्या होता है काफ़ी बेसिक है ना सीड और एम्ब्रियो में डिफरेंस क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो एम्ब्रियो से डील करेगा तो एपॉमिक्स आपको समझा होगा मैं फिर से बता देता हूँ एपॉमिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है मिमिक करता है पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद ये होता है कि फ़र्टिलाइजेशन का होना और फर्टिलाइजेशन कब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा बट एपोमिक्सिस में ऐसा केस नहीं है एपोमिक्सिस में फीमेल गैमेट विदाउट हेल्प ऑफ मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन जैसी कंडीशंस पैदा कर हैं और उससे क्या फॉर्म हो जाता है सीड फॉर्म हो जाता है ये दिखता आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है पर यह आता किसके अंदर है ए रिप्रोडक्शन के अंदर आता है अब हम जाएंगे एपोमिक्सिस की टाइप्स की तरफ एपोमिक्सिस के दो टाइप्स होते हैं जो कि आप इसके लास्ट पॉइंट में देख पा रहे होंगे तो एपोमिक्सिस के दो टाइप्स क्या है एपोमिक्सिस के दो टाइप्स है एगामोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव प्रपोगेशन तो एपोमिक्सिस के ये दो टाइप्स हो गए तो अब आगे चलते हैं इसको पढ़ते एगैमोस्पर्मी क्या होता है बेसिकली अब ऐगामोसपर्मी जो है कहीं ना कहीं और बहुत ज़्यादा एपोमिक्सिस से ही मिलता है एपोमिक्सिस जहाँ सीड की फॉर्मेशन की बात करता है एगैमोसपर्मी में आप समझ लें कि फॉर्म होगा अब ये तो आपको मालूम है ना कि सीड्स के थ्रू क्या होगा एम्ब्रियो आएगा तो अगर एम्ब्रियो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो एम्ब्रियो बिना अगर फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होगा तो वो किसके थ्रू होगा सीड के थ्रू होगा और सीड अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हुआ है तो किसके थ्रू होगा एपोमिक्सिस के थ्रू होगा तो कहीं ना कहीं अगर सिंपल भाषा में एगेमोसपर्मी को मैं समझाने जाऊँ तो ये कहीं ना कहीं एम्ब्रियो से रिलेटेड है हमने लिखा दोनों है यहाँ पर एम्ब्रियो और सीड क्योंकि दोनों आता है पर याद रखो एगामोसपर्मी जो है वो एक पार्ट है किसका एपोमिक्सिस का और एगैमोसपर्मी किससे डील करेगा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से डील करेगा और कैसे एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से डील करेगा जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो मतलब ये भी सिर्फ फीमेल गैमेट की मदद से ही सारे कामों को आगे बढ़ाएगा अब इसके चार टाइप्स होते हैं जो आपके सामने हैं एपोगी डिप्लोस्पोरी एपोस्पोरी और एडवेंटेड एडवेंटिव एम्ब्रिय ये सिर्फ आपको याद रख रहे हैं नाम एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो इसको डिटेल में नहीं जाना तो एगैमोसपर्मी किससे डील करेगा इन शॉर्ट अगर बता दे तो एगैमोसपर्मी डील करेगा एम्ब्रियो से डील करेगा एगेमोसपर्मी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एगैमो का मीनिंग आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि एगैमो का मीनिंग क्या है अब हम जाएंगे इसके सेकेंड पार्ट की तरफ जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी किसका पार्ट है या वेजिटेटिव प्रपोगेशन कह लो ये भी किसका पार्ट आएगा ये भी पार्ट आपको मिलेगा एपोमिक्सिस का तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोमिक्सिस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या सिमिलैरिटी है जो वो इसके अंडर रखा जाता है अब हम आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये होता है कि एक नया प्लांट फॉर्म होता है प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स हो गया स्टेम हो गया ट्यूब हो गया बल्बस हो गया इनसे पूरा एक नया पार्ट जब प्लान फॉर्म हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं दूसरा पॉइंट ये दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं आपके उस आंसर की तरफ है जिसको मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई सीड प्रोड्यूस नहीं होता है सीड तो प्रोड्यूस नहीं होगा डायरेक्टली क्या होगा पूरा प्लांट क्या होगा बन जाएगा ये आपको पता होगा तीसरी बात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एपॉमिक्सिस की जो भी प्रोजेनी आती है यानी कि जो भी प्रोजेनी पैदा होती है तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं मिलेगा जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं मिलेगा तो इनकी प्रोजेनी क्या कहलाएगी क्लोन कहलाएगी मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लोन के बारे में बताया था कि क्लोन क्या होता है मैंने आपको बताया था कि क्लोन एक्जैक्टली exactly अपने पेरेंट की तरह दिखेगा यानी कि क्लोन यानी कि उनका ऑफस्प्रिंग उनके पेरेंट्स की तरह दिखाई देगा तो यहाँ पर जेनेटिक मिक्सिंग नहीं होती जिसकी वजह से उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते वह कैसे होते हैं क्लोन्स होते हैं नेक्स्ट है, है यहाँ पर चौथा पॉइंट वेजिटरी रिप्रोडक्शन में एक थियरटिकल पॉइंट और काफ़ी सिंपल पॉइंट है कि इसमें प्योरिटी ऑफ रेस रेजिस्टेंस और गुड क्वालिटी ऑफ रेसेस मतलब जैसे स्टैंडर्ड उसके होते हैं जिस प्लांट से निकला है वो स्टैंडर्ड्स वो क्या करता है मेनटेन करता है ठीक है अब हम आगे चलेंगे अब नीचे के जो पॉइंट्स है उसके अंदर द क्रॉप रिमेंस ट्रू टू देर पेरेंट्स इट मेचोर अर्ली ये आपको पता ही होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्रॉप क्या होता है जल्दी बनता है जिस पार्ट से भी वो बनना चाहे अब हम इस स्लाइड को आगे लेके जाते हैं दो मेथड्स आप पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगशन के तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो मेथड्स में पहला मेथड है नेचुरल मेथड और दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रपोगेशन तो अब हम देखेंगे नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रपोगेशन में क्या आता है नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेट प्रपोगेशन में रूट से हो सकता है यानी कि रूट से पूरा प्लांट बन सकता है स्टेम से बन सकता है लीव से बन सकता है बर्ड से बन सकता है ब्यूबिल से बन सकता है और ट्यूरियन से बन सकता है आई होप सो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे ला खास कर लास्ट के दो टर्म ब्यूबिल्स और ट्यूरियन्स अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन ले लो कि आप नीचे लिख कर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ब्यूबिल्स एंड ट्यूरियन्स किसे कहते हैं अब हम बढ़ेंगे आगे स्लाइड में अब हम देखेंगे कि नेचुरल मेथड्स में रूट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नेचुरल मेथड्स में अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा तो रूट्स में कौन कौन होंगे तो रूट्स के अंदर आपको दो तरह के रूट्स दिखाई दे रहे हैं टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं तो पहले मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूँगा ये पिक्चर है ये पिक्चर में आपको पहला जो लेफ़्ट साइड पर दिख रहा है वो टैप रूट है और दूसरा जो राइट right साइड पर दिख रहा है वो कौन सा रूट है एडवेंटिशियस रूट है तो यहाँ से भी क्या हो सकता है बेटा पूरा प्लांट आपको यहाँ से भी ग्रो करता हुआ मिल सकता है तो एक ये तो एग्ज़ाम्पल हो गया टैप रूट में गोआवा का एग्ज़ाम्पल है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं डेलबर्जिया का एग्ज़ाम्पल है अल्बीजिया का एग्ज़ाम्पल है एडवेंटिशियस रूट्स में स्वीट पोटैटो को डैलिया फारेगस इसका एग्ज़ाम्पल है तो मैंने पहले ही कहा था लेक्चर में आपको काफ़ी सारे नाम याद करने इसके अंदर अब आते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम्स की तरफ अंडरग्राउंड स्टेम्स में आपको चार है ट्यूबर्स है बल्बस है कॉम्स है और राइजोम्स है तो मैं आपको इसका फोटो दिखा दूँ तो देखो ट्यूबर्स आपको दिख रहा है बल्ब आपको सेकेंड दिख रहा है राइजोम आपको थर्ड और कॉम आपको फोर्थ तो इस तरह के आपको ये स्टेम्स क्या होंगे मॉडिफ़िकेशन ऑफ स्टेम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमें फिर हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स है ट्यूबर्स के लिए पोटैटो है बल्बस के लिए ऑनियन है कॉम्स के लिए एलोकेशिया है और राइजोम्स के लिए बनाना है जिंजर है टर्मरिक है ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पार्ट है इसमें एक्सप्लेनेशन कम याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है इसका न्यूमॉनिक्स बनाकर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हर चीज़ का न्यूमोनिक्स बनाएंगे तो न्यूमॉनिक्स भी याद नहीं होगा अब हम जाएंगे आगे थर्ड पार्ट जो है वो है क्रीपिंग स्टेम की तरफ क्रीपिंग स्टेम में आपको दिखाई दे रहा है रनर्स स्टोलन सकर्स एंड ऑफसेट तो इसका भी आप फोटो देख लें पहले तो ये देखो ये रनर है ये स्टोलॉन है फिर आपको शक्कर दिखाई दे रहा है और ऑफ साइड दिखाई दे रहा है तो ये चार तरह के आपको इस तरह से क्रीपिंग स्टेम्स दिखाई देंगे तो क्रीपिंग स्टेम्स के अंदर लॉन ग्रास जो है रनर का एग्जाम्पल है जो एक तरह से क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट है स्टोलॉन के अंदर स्ट्रॉबेरी है ठीक है मतलब इन स्टेम से भी क्या हो सकता है पूरा आपको प्लांट ग्रो करता हुआ मिल सकता है जैसे कि स्टोलॉन में कौन है स्ट्रॉबेरी है अब हम जाएंगे आगे की तरफ जो एरियल स्टेम हमारे होते हैं जिसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा मैं ओपन ओपनची और शुगर केन का एग्जांपल है एरियल स्टेम में आपको मालूम है आप शुगर केन में देख सकते हैं ठीक है उसके स्टेम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कर सकते हैं फिर लीफ में एग्जाम्पल्स हैं आपके पास ब्रायोफाइलम का एग्ज़ाम्पल ये सब आप पढ़ चुके हैं फिर आपके पास है आ, ब्यूबिल्स के लिए और यूरोन्स के लिए है तो ब्यूबिल्स आपको बताना है और ट्यूरियंस का मैं आपको फोटो बता देता हूँ यहाँ पर ये देखो ये ट्यूरियस होते हैं बेसिकली ट्यूरॉन्स के बारे में अगर ज़्यादा जानोगे तो अच्छा होगा ट्यूरोन्स एक तरह का बर्ड होता है जो आपको क्या मिल सकता है वाटर में अगर मिलेगा खासकर ठंडी कंडीशन में पाया जाएगा पानी के अंदर ये होता है ठीक है तो ट्यूरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा अब यहाँ तक आने के बाद तो ये सारे हो गए हमारे हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नेचुरल टाइप्स हो गए अब हम जो जाने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल और हॉर्टिकल्चर मेथड पर जाने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तो इसमें आता है कटिंग फिर उसके अंदर टाइप से फिर कटिंग के आगे है स्टेम ग्राफ्टिंग बर्ड ग्राफ्टिंग लेयरिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन आता है जिसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं तो सबसे पहला कटिंग कटिंग नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि क्या होगा कटिंग का मतलब है प्लांट के किसी एक हिस्से को कट करना अब वो प्लांट का कौन सा हिस्सा कट हो सकता है या वो रूट हो सकता है या वो स्टेम हो सकता है या वो लीफ हो सकता है आप किसी को भी कट कर सकते हैं दूसरी बात अब यहाँ पर जब कटिंग हो जाता है तो अगर सपोज करो इसके अंदर हम रूट प्रमोटिंग केमिकल्स डालते हैं जैसे कि आई एग्जाम में पूछ सकता है इंडोल थ्री असैटिक एसिड और रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स को आर भी कहते हैं और एन भी डालते हैं अल्फ़ा नैप्थेलिन असैटिक एसिड अब कटिंग में पहला आता है रूट कटिंग नाम से ही सजेस्ट हो रहा है क्या होगा रूट को कट किया जाएगा फ़ोटो में जैसे कि आप देख सकते हैं तीन खाली गमले रखे हुए हैं और रूट्स रखे हुए हैं तो किसी प्लांट के रूट को कट करके डायरेक्टली किसी प्लांट के अंदर क्या कर देना डाल देना ठीक है तो उसके रूट्स को वहीं पर डाल देना और उसको ग्रो कर देना तो आपको तीन गमले दिख रहे हैं उनके अंदर उनके रूट्स होंगे आप कोई ऊपर से आकर प्लांट लगा दें इसमें एग्ज़ाम्पल है लेमन का एप्पल का स्ट्रॉबेरी का अब आते हैं हम स्टेम कटिंग की तरफ स्टेम कटिंग के लिए बेसिकली आपको जो स्टेम कट करना होता है वो 20 से 30 मीटर लॉन्ग पीस का होना चाहिए एटलीस्ट एक साल पुराना उसके लोअर एंड को आप आर यानी कि रूट प्रमोटिंग केमिकल्स में क्या करेंगे डिप करेंगे ठीक है फिर उसके बाद उसको सॉइल में कैसे कर देंगे प्लांट कर देंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पहले पिक्चर से आपने एक ब्लड से कट किया उसके स्टेम को और दूसरे में उसने लगा दिया एग्जाम्पल रोज शुगर के यूराटा का एग्जाम्पल आपके सामने है ये काफ़ी सिंपल होगा आपके लिए अब आते हैं हम लीफ कटिंग की तरफ अगर आप लीफ कटिंग को यहाँ देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा लीफ कटिंग के अंदर एकदम पिक्चर से ही दिखाई दे रहा होगा कि लीव जो है ये ट्रांसवर्सली कट हुआ है दो या दो से ज़्यादा पार्ट में ठीक है और देखो कैसे कट ट्रांसवर्स तो आपको समझ रहा ना कैसे कट हुआ उसके बाद इसको क्या करते हैं सॉइल में लगा देते हैं इसके लिए एग्जाम्पल है सेंसेवेरा स्नेक प्लांट्स और ब्रायोफाइलम का ठीक है तो इससे आप पूरा एक प्लांट क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं अब आते हैं हम स्टेम ग्राफ्टिंग की तरफ ठीक है तो ग्राफ्टिंग कुछ ऐसे दिखाई देता है पहले इसका फोटो देख लो ठीक है तो ये ग्राफ्टिंग कुछ ऐसे दिखता है तो स्ट्र... ग्राफ्टिंग में बेसिकली होता क्या है आप क्या करते हो दो अलग अलग पार्ट्स लेते हो एक रूट पार्ट और एक शूट पार्ट दो अलग अलग प्लांट का लेते हो और उनको साथ में रख एक नया कंपोजिट प्लांट क्या करते हो बनाते हो तो जब आप ग्राफ्टिंग करोगे तो उसके अंदर रूट सिस्टम जो होगा वो शूट सिस्टम से ओल्डर होना चाहिए ठीक है उस जो रूट सिस्टम है उसको स्टॉक भी कहते हैं अंडर स्टॉक भी कहते हैं और रूट स्टॉक भी कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैंने क्या कहा जब आप रूट सिस्टम लेंगे तो वोल्डर होना चाहिए उसके अलावा रूट सिस्टम के लिए आप उसको स्टॉक भी कहते हो अंडर स्टॉक भी कहते हो और रूट स्टॉक भी कहते हो फिर जो शूट सिस्टम होगा वो कम्पेरेटिवली नया होना चाहिए ऑब्वियसली रूट होगा तो पुराना ही होगा और उसके बाद ऑलमोस्ट नॉट इन एवरी केस बट अक्सर जगह पर आपको रूट सिस्टम ओल्डर एरिया और जो शूट सिस्टम होगा उसको आप स्कीन या ग्राफ्ट भी कहोगे ठीक है अब ये स्टॉक और स्कीॉन ये दोनों को टाई करना है आपको एक साथ ठीक है और ऐसे टाई करना है कि कैम्बियम टू कैम्बियम का क्या हो यूनियन हो मतलब ये जो जब दोनों पार्ट जुड़ेंगे ना तो इसका कैम्बियम और उसका कैम्बियम क्या होना चाहिए मिलना चाहिए एग्जांपल है मैंगो का कोई भी सिट्रस फ्रूट ले लो यानी कि लेमन वगैरह ठीक है अच्छा अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो स्टेम में आता है स्टेम ग्राफ्टिंग का जो टाइप्स है तो टाइप्स ऑफ स्टेम ग्राफ्टिंग में पहला है टंग और विब ग्राफ्टिंग टंग और विब ग्राफ्टिंग में क्या होगा जितना बड़ा आपका स्टॉक होगा उतना ही बड़ा आपका स्क्यन होगा मतलब जितना बड़ा रूट सिस्टम होगा उतना ही बड़ा शूट सिस्टम होगा और दोनों को बांध दो समझ गए ना इसका मेरे को फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है क्राउन ग्राफ्टिंग के लिए मैं पहले आपको फोटो दिखा देता हूँ पहला फोटो आपको जो दिखाई दे रहा है वो सबसे पहला लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहला फोटो दिखाई दे रहा है वो क्राउन ग्राफ्टिंग का है देख रहे हो ना हाँ तो अब देखो तो बहुत सारे स्कीॉन्स को क्या किया जाता है स्टॉक पर क्या कराया जाता है लगाया जाता है डाईमीटर इज मच लार्जर देन दी स्कीन है ना स्कीन देखे ना देखो यहाँ पर स्कीऑन छोटा है ठीक है और वो जो स्टॉक है उसका क्या है बड़ा है हाँ तो ये पहला हो गया क्राउन ग्राफ्ट ताज कैसे होता है ताज देखो ना गोल होता है उस पर छोटे छोटे बाकी सारे लगे होते हैं वैसे ठीक है अब आते हैं वेज ग्राफ्टिंग पर फोटो देख लो पहले वेज ग्राफ्टिंग पे ये फोटो है वेज ग्राफ्टिंग इसीलिए बोला जाता है उसको कट ऐसे वेज शेप में कट किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है इसीलिए वो वेज ग्राफ्टिंग कहलाता है ठीक है तो वी शेप में कट किया जाता है और डायमीटर दोनों का क्या होगा सेम होगा तीसरा है साइड ग्राफ्टिंग तो दिख रहा है यहाँ पर आपको साइड से उसको क्या करना है यहाँ से लगाना है ठीक है तो साइड ग्राफ्टिंग में आप देखेंगे तो स्कीन इज इन द स्टॉक द स्टॉक फ्रॉम द साइड डायमीटर ऑफ द स्टॉक इज मोर देन स्क्योन ठीक है स्टॉक का डायमीटर कैसा होना चाहिए स्कीोन से ज्यादा होना चाहिए चौथा वाला जो आता है वो अप्रोच ग्राफ्टिंग है अप्रोच ग्राफ्टिंग ऐसा दिखेगा देखो दो प्लान जो आपस में बाजू बाजू में ग्रोने उसका कुछ पार्ट जो क्या कर दो आउट कर दो और बांध दो तो ये क्या हो गया आपका अप्रोच ग्राफ्टिंग हो गया तो होप सो आपको इतना पार्ट समझने आया होगा तो अब जो इसका आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगर आपको डाउट है होपफुली इस बार वॉइस का इशू नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मैंने जो क्वेश्चंस आपको पूछे हैं प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि जो हमारा रिक्वायर्ड एम है लोगों तक पहुँचना वो हम पहुंच सके और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि जब भी भी हम लेक्चर अपलोड करें तो आपको पता लगे ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस